आपके अपने चैनल AS होम क्लासेस पर आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं खस्ता मठरी। इसके लिए हमने मैदा लिया है, छान लिया है ये, और 2 कप मैदा है। इसमें हम डालेंगे नमक, अजवाइन और मौन के लिए तेल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल है ये हम डालेंगे। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। 1-2 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें तेल डालेंगे और अच्छे से इन सबको मिलाकर एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने मैदे का टाइट डो तैयार कर लिया है। ये अब इसको हम एक बर्तन से ढककर रख देंगे, 10-15 मिनट के लिए ऐसे रख देंगे। उसके बाद हम मठरी बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए ये मैदे से हमने ये 3 लोई बना के तैयार कर ली है। थोड़ी बड़ी ही चाहिए हमें। अब हम इसे एक कुर्सी पर रखकर बेलते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने एक रोटी सी बना ली है इसको। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और अच्छे से चम्मच से इस पर हमें फैला देना है। इसको फैला देने के बाद हम 1 चम्मच मैदा लेके इस पर सब तरफ से डाल देंगे और इसे भी हम चम्मच से अच्छे से फैला देंगे। इस तरह से फैलाने के बाद हम इसको इस तरफ से उठाएंगे और इसको उठा के इस तरफ से इसको हम इस तरह से रखेंगे। इसके बाद एक बार फिर से हम इसमें तेल लगाएंगे। तेल की जो आपको लगाना हो, रिफाइंड ऑयल लगा रहे हैं, आपको जो लगाना हो वो आप लगा सकते हैं। और इसके ऊपर फिर से हम मैदा डाल देंगे इस तरह। अच्छे से इसको हम इस पर से फैला देंगे और एक बार फिर हम इसे पलट कर इस तरह से इसको रख देंगे और इसको हम फिर से बेलेंगे। और इसको जब हम बेलेंगे तो जितना हमने पहले बनाया था उससे थोड़ा मोटा ही हमें बेलना है। ये देखिए इसको हमने इस तरह से थोड़ा लंबाई में बेल लिया है। अब इसके बाद हम इस बार एक बार फिर से तेल लगा देंगे। अच्छे से तेल सब तरफ लगाने के बाद हम इसमें फिर से मैदा डाल देंगे इस तरह से। सब तरफ एक सा करने के बाद हम इसके फिर से इस तरह से फोल्ड बनाएंगे। इस तरह से इसको हम पूरा इसके ऊपर भी रख देंगे इस तरह। और एक बार अब हम इसे ऐसे लंबाई में फिर बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसे थोड़ा लंबाई में बेल लिया है, थोड़ा सा इसे चौड़ाई में भी बेल लिया है। अब इसको इस तरह से हम रखकर इसको हम इस तरह से काट देंगे। इस तरह से हमें इसके पीस बना लेने हैं। ये इस तरह से हम इन्हें काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इन्हें काट लिया है। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए तेल गर्म कर लेते हैं, फिर इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब हम इस पे अपने नमक पारों को डाल देंगे। आज धीमी मध्यम पे ही रख रहे हैं हमें, क्योंकि हमें इसे धीमे आंच पर ही सेंकना है। ये देखिए इस तरह से डालकर इन्हें सेंकना है और धीमी आंच पर सेंकेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगे। और देखिए कैसा अच्छा सुनहरा कलर आता जा रहा है। इसी तरह के अच्छे कलर आ जाने तक हम इन्हें सेंक लेंगे और फिर इन्हें हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी मठरी नमक पारे बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।